तो हम लोग रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं हम लोग बैंकॉक विजिट करने। नई चीज पता लगी। तो यहाँ हम पताया के होटल से निकल रहे हैं बैंकॉक के गुड लिए। मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। हम लोग टैक्सी में बैठ गए हैं और निकल गए हैं बैंकॉक के रास्ते में, और हम लोग यहाँ से देखते हुए जाएंगे गोल्डन टेम्पल और कौन सा टेम्पल है, मार्बल मार्बल टेम्पल। एक टेम्पल और एक और कुछ गोल्डन है और दिखाएंगे। एक मार्बल टेम्पल, दोनों टेम्पल हम देखेंगे और फिर हम अपने बैंकॉक के रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और चलते रहिए। पटाया बहुत क्राउडेड एरिया है, यहाँ पर अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है। कि मुझे दूसरे पैर में भी चोट लग गई थी, आपको चोट दिख रही होगी पैर के ऊपर, तो यहाँ पर भी मुझे पेन था। हमारा गोल्डन टेम्पल प्लेस तो कैंसिल हुआ है क्योंकि बोलने में आ रहा था कि वो इतना अच्छा नहीं है, तो उससे ज़्यादा बेटर जो प्लेस है वो बोल रहे हैं कि मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर आए हैं, इस प्लेस का नाम है फ्लैम नाई, ऐसे कुछ करके नाम है, प्रॉपर तो मुझे समझ नहीं आया, बट देखते हैं अंदर से कैसा है और आपको भी दिखाते हैं। ये जगह जैसे ही आपको दिख रही है बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी वाली थी, और उस दिन बारिश भी आ रही थी, रिमझिम रिमझिम, बहुत तेज़ नहीं थी, ड्रिजलिंग थी। और यहाँ पर आपको छोटा सा तालाब भी दिख रहा है, ये प्रकाश जी और पाखी जा रहे हैं आगे। और ये जो सामने आपको दिखा, ये यहाँ के राजा रानी हैं, आपको बहुत जगहों पर इनकी तस्वीर बिल्कुल आपको दिखाई देगी जगह जगह पर। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा था, और उन्हीं के फैमिली रिलेटेड जो भी लोग थे वो यहाँ पर आए हुए थे, आपको चेयर पे बैठे हुए दिखे होंगे। और ये छत पे आप देख रहे हैं किस तरह से पिक्चर्स लगी हुई हैं। मैंने कोशिश की है पूरी तरह अपना कैमरे को यूज़ करने की और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैमरे में कवर करने की। और अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पर पाखी ने बोला कि पहले मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर लो, तो बस वही कर रहे हैं। पर्पल भी है, पर्पल देखा, पर्पल लोटस। तो ये ऊपर कुछ प्रोग्राम हो रहा था और ये सब फैमिली के ही लोग थे, पर हमें मालूम नहीं था क्योंकि हम पहली बार यहाँ पर आए थे। तो हम भी समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और फिर अभी तो हम लोग बस नोटिस कर रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सारी चीज़ें। और ये हमने देखा कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी आ रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट्स दिए थे, ऐसी कुछ परंपरा थी। एक्चुअली हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने उनसे पूछा भी, पहले पाखी ने पूछा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर प्रकाश जी ने भी पूछा, वो आपको मैं बाद में ये बताऊंगी। देखो, यहाँ पे इतनी सारी चप्पलें पड़ी हैं, पर सबका कलर ब्राउन है। ये एक ब्लैक निकली है। और यहाँ पे ना क्या है ये? पॉपकॉर्न फ्लावर मैंने नाम दिया क्योंकि पॉपकॉर्न जैसे दिखते हैं। पॉपकॉर्न फ्लावर लग रहा है। ओके, यहाँ पे हो सकता है क्योंकि शादी हो रही हो या कोई फैमिली रिचुअल चल रहा है, और वही उसका खाना भी हो रहा है। लोग बैठे खाना खा रहे हैं, लोग बैठे सेरेमनी कर रहे हैं। हम अभी बैक साइड पे हैं और फ्रंट साइड पे तो हमने देखा है कितने लोग बैठे हैं, और मॉन्क्स भी मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कुछ तो हो रहा है। इसने मैंने पूछा व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो उन्होंने बोला माँ। अब आई डोंट नो व्हाट इज़ माँ इन थाई लैंग्वेज। यहाँ पे इस मंदिर में एक व्यक्ति ने दीक्षा ली है, वो मॉन्क बन गए हैं। तो उनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स वगैरह सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनकी दीक्षा की ये पूरी वो प्रोसेस चल रही है। उन्होंने बताया वो पूरा फैमिली है उनके यहाँ पे, और उनको दीक्षा दी जा रही है जैसे हमारे यहाँ पे देते हैं ना। अब हम यहाँ से वापस जा रहे थे तो पाखी को एक डॉग दिख गया, और पाखी तो डॉग लवर है ही, उसको बहुत पसंद है डॉग्स। और फिर उसे लेपी की भी बहुत याद आ रही थी, तो बस उसे को याद करते करते इस डॉग को उसने बहुत प्यार किया। हम आ गए हैं गोल्डन टेम्पल में। पहले हम लोग नहीं विजिट कर रहे थे, पर फिर हमने प्लान बनाया कि हम देखेंगे। सबसे पहले उतरते ही ये ढेर सारे हमें प्लांट्स, ग्रीनरी वगैरह दिखाई दी और बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ आने का हमने जो डिसीज़न लिया वो बिल्कुल सही लिया। और आप भी जब आए थाईलैंड में, बैंकॉक में, तो ज़रूर इस जगह को आप विज़िट करिएगा। ये यहाँ से एंट्रेंस है, देन इसके बाद ये एरिया स्टार्ट होता है। मेरा मोबाइल भी उसमें रहेगा।
यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगी, बस हाँ देखते देखते ज़रूर मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी और एकदम एंट्रेंस पे ही कुछ काम भी चल रहा था, जिसको खड़े होके हमने पहले थोड़ी देर देखा कि किस तरह काम हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर काम हो रहा था। आप थाईलैंड जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर दिखाई देंगे, वहाँ पर आप विज़िट करेंगे आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लगेगी। पर विश मांगी जाती है और ये देख रहे हैं आप इतनी सारी चेयर्स टेबल ये सब लगा हुआ है, मूर्तियां तो हैं ही यहाँ पर और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी यहाँ पे देखने वाली कि मतलब फर्नीचर भी था और बहुत सारे मतलब जो प्राइजेज होते हैं वो भी रखे हुए थे और बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी और आई थिंक गोल्ड भी था यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें आपको एक गोल्डन साथ ही एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल रही थी। आइवरी हाथी दांत उसकी नक्काशी करी है। ओह माय गॉड, आई कैन टेल दिस इज आइवरी टू बी शाइनिंग। कितनी मेहनत से उन्होंने उसको मेरे को ऐसा लगता किया। है ना यहाँ पे ये सब चीज़ें दान मानी है ना, पीपल हैव गिफ्टेड दिस मंदिर। यहाँ पे है ना वो बैठते हैं मॉन्क्स, देखो शिव जी वो सामने कहाँ शिव जी कहाँ? हिंदू कल्चर पूरी तरह इन्फ्यूज है ना। ये गुरु जी का स्थान है, ये गुरु जी बोलते होंगे ना यहाँ पे, उपदेश देते होंगे। काफी देर से वीडियो बनाते बनाते मैं थक गई थी तो मैंने कैमरा प्रकाश जी को पकड़ा दिया यहाँ पे। ये डाइनिंग टेबल टाइप है, ये सब इतनी सारी सेम चीजें क्यों है यहाँ पे? दीज आर लाइक ट्रॉफीज। ये बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं। हाँ ये एंशियंट टाइम की कुर्सियाँ हैं। क्या है? कार्विंग्स देखो यार, कार्विंग्स आजकल ढूंढे से भी नहीं मिलती है ऐसी। सब देख के बाहर आ गए हम, अब चलें, अब सीधा रूम पे चलें। शनि महाराज जी लग रहे हैं ये मुझे तो, ये कौन से हैं? स्कूटर वाली सीट्स बनी है। सभी देवी देवताएं हैं यहाँ, इंडियंस सभी देवी देवताएं हैं, शंकर पार्वती जी गणेश जी शेरावाली माता सरस्वती माता ब्रह्मा जी विष्णु जी लक्ष्मी जी सब भगवान हैं। मंदिर वगैरह देखने के बाद अब हम लोग अपने होटल आ गए हैं। वर्ल्ड क्लास होटल है। आ गए अपने फ्लोर पे और हमारा फ्लोर है फिफ्थ और रूम नंबर क्या है? 534। काफी अच्छा होटल है ये। बाहर से तो होटल बहुत ही शानदार था पर रूम तो अंदर जाके ही पता लगेंगे कि किस तरह है, तो आप देखिए ये भी लग रहा है वही सेम अपार्टमेंट टाइप है ना? हाँ। कि नहीं वन रूम है? हाँ। वन रूम है ओके। बस ये एरिया एक्स्ट्रा है बस,
ठीक है ना, उससे तो बेटर है पटाया बेड। अरे पर हाँ बेड कैसे के लिए बोला था। हाँ तो बोलो उनको। हाँ, बोलता हूँ, क्योंकि हम 3 मेंबर्स हैं और ये रूम जो है 2 मेंबर के अकॉर्डिंग है, तो बात करके आते हैं। तो प्रकाश जी गए अभी बात करने, देखते क्या रहेगा। बाकी थोड़ा सा यहाँ से व्यू दिखाती हूँ मैं। तो ये है यहाँ से व्यू, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है यहाँ पे, और दूसरी विंडो से व्यू इस तरह से दिखता है। तो अभी प्रकाश जी नीचे जाके बात करके आए हैं और हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहे हैं। देखते हैं वो कैसा रूम है, अभी पता चलेगा, अभी हमको खुद नहीं पता, देखते क्या होता है। तो हमें मिला है अभी रूम नंबर 548 और इसमें एक बेड शिफ्ट हो रहा है, उस रूम से थोड़ा बड़ा है और बेड भी लग जाएगा, तो इट्स फाइन। ये बेड भी सिंगल सिंगल अपने को मिल गए और एक बेड और मिल गया, ये तो बहुत बेटर है। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं हम लोग बैंकॉक विजिट करने, देखते हैं क्या है यहाँ पर। और दूसरा ये कि हम लोग खाना नहीं खाए हैं अभी तक, सुबह नाश्ता जो किया था ब्रेकफास्ट वही किया हुआ है, अभी खाना नहीं खाया है दोपहर का, तो वो हम लोग लंच और डिनर एक साथ कंबाइन करके खाएंगे, यानी कि थोड़ा लेट खाएंगे। तो पहले थोड़ा सा बैंकॉक विजिट कर लेते हैं और फिर खाएंगे डिनर। होटल बहुत ही प्यारा है और हमारा रूम भी बहुत प्यारा है, पर फुकेट वाला जो रूम था उसको तो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। सबसे बेस्ट रूम अभी तक हमें वो ही मिला है, रूम कह लो, अपार्टमेंट कह लो, सुइट कह लो, सबसे बेस्ट हमें वो ही मिला है अभी तक, एशले हाइट्स। हाँ, एशले हाइट्स। बाकी सारी सुविधाएं तो हर होटल में है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। धारा 302 मतलब रूम नंबर 302 था। 300 मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, धारा 302। हाँ, हमारा जो रूम था उसका नंबर था 302। मैं एकदम डर गई कि क्या बात कर रहे हैं। चलो अभी हमारे साथ चलो आप भी और देखो साथ साथ कि क्या है बैंकॉक में देखने लायक कुछ, क्योंकि हम लोग तो पास में ही जो भी होटल के पास जो भी चीजें होंगी या तो मॉल जाएंगे या फिर स्ट्रीट में देखेंगे कि रोड साइड कौन सी शॉप्स हैं, क्या क्या है, बस वही विजिट करेंगे। अभी तो हम खास कुछ और करने नहीं वाले, पर कल का प्लान हमारा बहुत बढ़िया है और कल का व्लॉग तो आप जरूर देखिएगा। पाखी रेडी हो गई? यस। हाँ, पाखी को वापस से एक मिरर और दिख गया है, ये देखिए। तो पाखी अभी उसमें 2-4 फोटो खींच ले, फिर जाएगी आगे। पाखी रेडी हो गई? बेरी से रेडी कब होगी मुझे पता ही नहीं चला। मौसमी हमेशा ऐसी होनी चाहिए, इतना ना वो रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? उससे डर नहीं लगता, मौसमी में खड़े होने में डर नहीं लगता। अच्छा, नीचे गैप, मतलब अगर आप गिरे तो नीचे वाले के फ्लोर पे गिरोगे, ऐसा गिरोगे क्यों? अच्छा, मतलब ओके, ये कह रहे हो चक्कर आता ना। हाँ, कि ये जो आप बोल रहे हो ये ऐसा होना चाहिए, इसे चक्कर नहीं आएगा कि हाँ आगे स्पेस है, ऐसा होना भी इन्होंने इसलिए लगाया है कि नहीं, यहाँ पे ना आदमी खड़ा रहे तो चुभे उसको। अच्छा, इसलिए वो खड़ा ही ना हो, इसलिए वो खड़ा ही ना हो। मेरा वेट करो, मेरा वेट करो, अंदर आ रही हूँ, अंदर आ ले। तो हम रेडी होके चल दिए हैं ट्रेड फेयर के लिए और मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं बाहर से आपको होटल का जो एक्सटीरियर है वो दिखा दूं, तो बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ और काफ़ी अच्छा था ये व्यू। ये देखो मंदिर है यहाँ पर। हाँ, वो ही सेम मंदिर मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया था सब। अरे, ये तो शिव जी का मंदिर है। हाँ। वाह, शिव जी भी बैठे हम 7-Eleven में और इस तरह की शॉप्स आपको हर जगह अवेलेबल रहेंगे। ऐसा है कि आप पूरे थाईलैंड में, आप पटाया हो, फुकेट हो या बैंकॉक हो, कोई भी जगह हो, आपको यहाँ पर 7-Eleven तो हर जगह थोड़े थोड़े डिस्टेंस में मिलेगा और ये बहुत ही सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको लोकल जो भी चीजें रहती है खाने पीने की वो आपको स्पून मिल गया इसके साथ। ठीक है, वो
क्या नाम था बाकी उनका, चटाचक। ये पुडिंग बहुत टेस्टी है मेरी तो, बाकी की तो अभी तक ओपन ही नहीं हुई। क्या वो ओपन नहीं हो रहा? After lots and lots and lots of struggle and hustle. आगे बता कैसा है तेरा? ठीक है, मेरा भी अच्छा। अच्छा अच्छा, नई चीज पता लगी, ये है सीवीड लेस, ठीक है। और यहाँ पे सीवीड मतलब क्रीम एंड ऑनियन, अपना जो क्रीम एंड ऑनियन फ्लेवर होता है वही सीवीड फ्लेवर है इनका। देखा पैकेट में बाहर क्या लिखा, और ही सीवीड और है क्रीम एंड ऑनियन, क्रीम एंड ऑनियन है इंडिया वाला। एग्जैक्ट ऐसी फ्लेवर बदलता है ये, वहाँ के यहाँ यहाँ के वहाँ नाम अलग। देखा मुझे भी टेस्ट करा, मेहनत बचती है, बिल्कुल वही नया फ्लेवर बनाने की, वही टेस्ट है बिल्कुल। दूर तक कोई मार्केट नहीं, यहाँ पर दूर दूर तक कोई मार्केट नहीं है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा मॉल्स और बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पेट्रोल पंप इस तरह से दिखते हैं। हम पहले निकले थे कि हम लोग थोड़ा सा बाहर विजिट करेंगे कि क्या है मार्केट में, कुछ देखने लायक है कि नहीं, पर दूर दूर तक कोई भी मार्केट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब सामने ये देखिए, यहाँ पर ब्रह्मा जी की प्रतिमा, इलेक्ट्रोलक्स होम इंस्पिरेशंस के बिल्कुल, वहाँ का पेट्रोल और डीजल रेट। अभी हमने टैक्सी मंगाई है वापस से, हम अपने होटल आ गए थे और यहाँ से हमने टैक्सी मंगाई है कि हमें यहाँ पर पास में कुछ भी नहीं दिख रहा था तो सोचा कि टैक्सी मंगा लेते हैं और यहीं सर कई आसपास मार्केट में चलते हैं। तो ये है वो टैक्सी। अर्थ का रोटेशन सिर्फ 100 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाए, तेरा अंदाजा क्या है क्या होगा इन बिल्डिंगों के साथ? ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है, ये एक दूसरे को नलीफाई करता है तो जीरो हो जाएगा। आगे हम फेयर में, ट्रेड फेयर। अभी कुछ नहीं, अरे ले लेना, ले लेंगे, पहले देख तो ले सब, बाद में ले लेना, अभी देख लिया ना। पूछ कितने का, 200 बोल रही है ना, बहुत रिजनेबल है ना ये। घूमने देख कैब कितनी बड़ी। तो ऐसा कि प्रकाश जी का बिजनेस से रिलेटेड कुछ मूड ऑफ था, फोन पे फोन आ रहे थे तो उस वजह से उनका थोड़ा मूड ऑफ था, तो हम कुछ शॉपिंग स्टार्टिंग में कर नहीं पा रहे थे। बाकी आपको बाद में बताऊंगी आगे चल के कि क्या हुआ। ट्राई करके बता इसको। अच्छा अच्छा, और इस वाले स्टॉल पे स्वीट मिल रही थी और उन्होंने मुझे टेस्ट भी करवाई थी, जस्ट चॉकलेट टेस्ट था। ऑरेंज चाहिए और क्या, शुगर ग्लाइडर असली है। हाँ, तो अब ट्रेड फेयर से हम लोग आगे हैं बाहर की तरफ। टैक्सी में आए हैं हम यहाँ ट्रेड फेयर में 55 बाट में, और ये टुक टुक मांग रहे हैं हमसे 200 बाट वहीं तक के, तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है ये। बहुत घमासान मेहनत करने के बाद भी हमें 55 बाट में नहीं मिली टैक्सी, हमें मिली है 150 बाट में, तो
क्योंकि मेरे पैर में लगी हुई थी, इसलिए हमें टैक्सी करनी पड़ी, नहीं तो हम लोग पैदल ही यहाँ से होटल तक चले जाते। पाकी, हाँ डिनर करने आए हैं हम लोग, जायका और अच्छी प्लेस है ये। खाना देखते हैं अब कैसा आता है यहाँ पर। तो हमारा डिनर आ गया है, ये है तंदूरी रोटी और ये है नवाबी कढ़ाई चिकन, ये है मेरे लिए आलू पराठा। खाना बहुत अच्छा लगा और अब हम आ गए अपने होटल पे वापस और मिलेंगे कल, कल के ब्लॉग में। कल हम घूमने जा रहे हैं 2-3 जगह पे, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।